व्यूअर्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि ब्लूटूथ अगर आप यूज़ करते हैं तो केयरफुल हो जाइए, क्योंकि ब्लूटूथ के थ्रू आपका फ़ोन हैक हो सकता है और इससे पेयर डिवाइस भी हैक हो सकती है। और उसके तीन तरीके हैं जो हैकर्स लोग यूज़ करते हैं, जिसमें पहला है ब्लू जैकिंग, दूसरा है ब्लू स्नर्फिंग, तीसरा है ब्लू बगिंग। तो ब्लू जैकिंग एक बार हम आपको शॉर्ट्स में बता चुके हैं, अगर आपको नहीं पता है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, हम लिंक दे देंगे। अब ब्लूटूथ से हैकिंग कैसे होती है ये जानिए। ब्लूटूथ हैक्स बाय सेटिंग अप स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। उसके लिए जो हैकर्स होते हैं वो स्पेशल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को इंस्टॉल करते हैं, थ्रू विच द डिस्कवर वल्नरेबल डिवाइस इक्विप्ड विद एक्टिव ब्लूटूथ कनेक्शन। दिस इज़ डन मोस्टली इन बिजी एरिया। आप बहुत से ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पर बहुत बिजी एरिया रहता है, जैसे स्टेशन है, मार्केट है, तो वहाँ पर ये लोग एक्टिव होते हैं और कॉमन प्लेसेस पे ये अपने डिवाइसेस को इंस्टॉल किए रहते हैं और आपके उन फ़ोन को टारगेट करते हैं जिनका ब्लूटूथ ऑन होता है। तो ब्लूटूथ ऑन होता है तो उससे क्या होता है, वो क्राउडेड एरिया में आपके फ़ोन को हैक करने के लिए अपने फ़ोन को आपके फ़ोन से पेयर कर लेते हैं। इफ़ दे नीड टू ऑथेंटिकेट themselves विद पासवर्ड टू establish a कनेक्शन, दे कैन यूज ब्रूट फोर्स सॉफ्टवेयर। अब आपने नाम सुना होगा ब्रूट फोर्स सॉफ्टवेयर का, जिसके थ्रू आप पासवर्ड, किसी के भी पासवर्ड को तोड़ सकते हैं। तो वो ये सारी चीज़ें यूज़ करके आपके फ़ोन के पासवर्ड को फाइंड आउट कर लेते हैं और आपके ब्लूटूथ के थ्रू आपके फ़ोन को एक्सेस कर सकते हैं और उससे कनेक्ट होकर के स्पैम मैसेजेस भेजते हैं। तो ब्लू जैकिंग उतनी हार्मफुल नहीं है जितनी कि ब्लू स्नैपिंग और ब्लू बगिंग है। ब्लू जैकिंग में केवल वो मैसेज ही कर सकता है, लेकिन ब्लू स्नर्फिंग में क्या करते हैं, दिस फॉर्म ऑफ हैक इज मोर सीरियस देन ब्लू जैकिंग। विद ब्लू स्नर्फिंग थीव्स वायरलेसली कनेक्ट टू सम अर्ली ब्लूटूथ एनेबल मोबाइल डिवाइस विदाउट ओनर नॉलेज। अब उसमें तो मैसेज आ रहा है तो ओनर जान जाता है, लेकिन इसमें आपके जो मैसेज करेगा वो कुछ देखेगा, वो आपको पता नहीं लगेगा और आपके डिवाइस में वो एक्टिवेट होकर आपके डिवाइस को यूज़ करेगा। इट कैन रिवील योर प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑन योर स्मार्टफोन, और आपकी जितनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो सब उसको फाइंड आउट कर लेगा। हैकर में परचेज सॉफ्टवेयर दैट अलाउ देम टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर डिवाइस, और आपके डिवाइस पर से वो सॉफ्टवेयर भी परचेज करेगा, मैसेज भी भेजेगा, कॉल भी सुनेगा, तो मल्टीपल काम वो कर सकता है। अब आपका देखिए ब्लू स्नफिंग क्या क्या करेगा, लिस्ट कर देगा फ़ोन बुक को, डिलीट कर देगा फ़ोन बुक को, व्यू कॉल रिसीव करेगा और कॉल प्लेस भी कर सकता है, और आपकी फ़ोन बुक को डाउनलोड भी कर सकता है, आपके सारे कॉन्टैक्ट आपके उसके पास आ जाएंगे, कैलेंडर्स और वर्स। तो अब कैलेंडर में आपने इवेंट सेट कर रखे हैं तो उन सबको जान जाएगा। मतलब है कि जब वो आपके फ़ोन को हैक करेगा तो आपकी जितनी एक्टिविटी है, जितनी फ़ोटो है, जितनी फाइल है, जितनी इम्पोर्टेंट बैंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, सब वो फाइंड आउट कर लेगा। एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस। तो आप अपने ब्लूटूथ को इस तरह से मत यूज़ करिए पब्लिक एरिया में कि आपका फ़ोन ही पूरा हैक हो जाए और आपकी सारी इंफॉर्मेशन किसी को मिल जाए। अब थर्ड है ब्लू बगिंग। ब्लू बगिंग अलाउ थीव्स टू टेक फुल कंट्रोल ऑफ डिवाइस फ्रॉम डिस्टेंस पे। अब स्नफिंग में तो केवल वो इंफॉर्मेशन ही डाउनलोड करता है, लेकिन अब ब्लू बगिंग में क्या करेगा, आपका फ़ोन आपके कंट्रोल ही में नहीं रहेगा, वो पूरा कंट्रोल कर लेगा। ब्लू बगिंग मैनिपुलेट टारगेट फोन इनटू कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स सिक्योरिटी, सो इन फ्यूचर दे कैन बाईपास द ऑथेंटिकेशन। अब आपका जितना ऑथेंटिकेशन पासवर्ड चेक होता है वो चेक ही नहीं होगा और वो आपके फ़ोन को पूरा एक्सेस कर लेगा और वो सारी कंट्रोलिंग पावर उसके पास चली जाएगी। तो क्या होगा, जब आपको का ओटीपी आएगा, आपका मैसेज आएगा, वो आपको मिलेगा ही नहीं,
Create a backdoor attack before returning control of phone it is room. और बैकडोर से आपके पूरे फोन को कंट्रोल कर लेगा और आप उस फोन पे कुछ नहीं कर पाइएगा. Once control of phone has been established, it is used to call back the hackers who is then able to listen into conversation. वो आपकी सारी बातें सुन लेगा, आपके सारे फोन आपकी क्या एक्टिविटी है जान लेगा, आपके कॉल को रिसीव करेगा, आपके कॉल को फॉरवर्ड कर देगा, आपके फोन बुक को सारा रीड कर लेगा, आपके सारे कॉन्टैक्ट हैक कर लेगा, आपके सारे पिक्चर हैक कर लेगा, आपके बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन जान लेगा. इस तरह से वो आपकी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ले लेगा. आपके कैलेंडर में क्या क्या इवेंट सेट किया, आप कहाँ कहाँ जाइएगा, कैलेंडर के थ्रू से पता लग जाएगा. तो अब इसका सलूशन क्या है, हम इसको बचें कैसे कि हमारा ब्लूटूथ के थ्रू कोई फ़ोन को हैक ना कर पाए. तो सबसे अच्छा है कि आपका ब्लूटूथ आप अपना क्लोज रखिए, जब उसको आप यूज़ ना करिए और पब्लिक एरिया में उसको मत यूज़ कीजिए. डोंट सेव इम्पॉर्टेंट डेटा और द ऑन टू द डिवाइस इन विच यू आर यूजिंग ब्लूटूथ. उसमें ऐसा कोई भी डेटा उस डिवाइस पे स्टोर मत करिए जिसको आप जिसमें आप ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं और पब्लिकली यूज कर रहे हैं. यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड चेंज फ्रिक्वेंटली. अपने पासवर्ड को यूज करिए ऐसा कि जो जल्दी फाइंड आउट ना हो पाए और उसको जल्दी जल्दी चेंज करिए. अब ऐसे ब्रूट फोर्स जैसे सॉफ्टवेयर हैं तो पासवर्ड तो कोई भी फाइंड आउट कर लेगा. तो बेस्ट है कि आप अपने पासवर्ड को जल्दी जल्दी चेंज करिए. अब अप टू डेट योर डिवाइस बिकॉज ब्लू बगिंग हैकर्स जनरली बाई पास योर ऑथेंटिकेशन. अब क्योंकि वो आपके ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर देते हैं इसलिए आपको अपने डिवाइस को अपडेट करते रहना चाहिए. अगर अपडेट नहीं करते तो उनको लूप होल वीक मिल जाता है और वो आपके इंफॉर्मेशन को हैक कर लेते हैं. मे ब्लूटूथ सेटिंग नॉन डिस्कवरेबल. और आप अपने ब्लूटूथ की सेटिंग को नॉन डिस्कवरेबल सेट कर दीजिए. पब्लिक प्लेस इज द टारगेट प्लेस फॉर द हैकर सो पेयर योर डिवाइस ओनली ऑन द प्रोटेक्टेड एरिया लाइक होम एंड ऑफिस. तो क्योंकि आपका ब्लूटूथ के थ्रू हैकर आपके डिवाइस को पेयर कर लेता है तो बेस्ट है कि आप ब्लूटूथ वहाँ मत यूज़ करिए जो पब्लिक एरिया हो. आप उसको अपने घर या ऑफिस में ही यूज़ करिए. रिमूव द डिवाइस फ्रॉम पेयर लिस्ट इफ द पेयर डिवाइस लॉस्ट बाय यू. और अगर आपने किसी डिवाइस को पेयर किया था और वो खो जाता है तो उसकी पेयर लिस्ट को रिमूव कर दीजिए. तो इस तरह से आप ब्लूटूथ की हैकिंग से बच सकते हैं और उसको केयरफुली ही यूज़ करिए. आप उसको फ्रीक्वेंट उसको तभी यूज़ करिए जब आपको ज़रूरत हो, अदरवाइज उसको बंद रखती है. सो दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर. आपको अवेयर करने के लिए ये हमने प्रोग्राम बनाया जो लेटेस्ट ट्रेंड में आजकल चल रहा है. ब्लू बगिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप उसको पब्लिक प्लेस पर मत यूज़ करिए और अपने फ़ोन को हैकिंग से बचाइए. दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर. इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल आई टी इंफॉर्मर. फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. जॉइन माई टेलीग्राम चैनल. Answer on poll in the community. Thank you.